पीपल सोशोलॉजी रिज्यूम करते हैं। मेंस के पहले तक कवर कर रहे थे, फिर थोड़ा बीच में ब्रेक आ गया था मेंस वाला, अभी वापस रिज्यूम करते हैं। और सोशोलॉजी के बारे में आपको मैं चाहता हूँ थोड़ा सा शेड्यूल बताना क्लासेस का, कि कैसे चलेंगे क्लासेस। थोड़ा हमारा एजेंडा है कि आने वाले लेट्स से 70 डेज में, कि अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने में हम अपना पेपर पूरा सिलेबस ख़त्म कर देंगे। एंड हम मैंने आपको उसके पहले मैं आपको थोड़ा चाहता हूँ सिलेबस के बारे में क्विकली रन थ्रू करना। सिलेबस में आप देखो अपने पास पेपर वन में 10 चैप्टर्स हैं, 5 इस पेज में लगे हुए हैं। चैप्टर वन है जहाँ पे हम बताते हैं कि सोशोलॉजी आई कैसे, इमर्जेंस के बारे में, कंपैरिजंस हैं एट्सेट्रा। देन चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 चलते रहते हैं। हमने इसमें से चैप्टर 5 से शुरुआत की थी और चैप्टर 5 हमने अभी तक ख़त्म कर दिया है। चैप्टर 5 के वीडियोस प्लेलिस्ट में लगे हुए हैं, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में वो उसका लिंक लगा दूंगा। और बहुत ही बेसिक वीडियोस हैं, मतलब मेरा ये मानना यह है, जैसे जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि चैप्टर 5 अगर हमको ढंग से आता हो, एंड एक चैप्टर इसके नेक्स्ट हमारे पॉलिटिक्स का है, वो अगर हमें ढंग से आता हो तो हमारी सोशियोलॉजी पे ग्रिप काफ़ी अच्छी हो जाती है। कोचिंग सेंटर्स ऐसा पता नहीं क्यों नहीं करते, लेकिन करना चाहिए, जो मैं खुद से अंडरस्टैंडिंग है मेरी। तो इसमें से हमने चैप्टर 5, एंड अगर हम आगे देखें तो पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी चैप्टर नंबर 7, हमने ये 2 चैप्टर्स खत्म किए हैं। बहुत सारे इसमें आइडियाज़ आते हैं, इनके मैं आपको PDFs के लिंक भी लगा दूंगा इनके चैप्टर्स के नीचे। तो आप ये वाले लेक्चर्स पढ़ो, एंड इसके बाद जो आज से शुरू कर रहे हैं, जो अभी पहले हमसे हमारे साथ नहीं जुड़े हुए थे, तो ठीक है वो यहां से शुरू कर सकते हैं। इसके बियॉन्ड अगर मैं बताऊं आपको, तो हमने अभी जो हम यहां से लेक्चर शुरू कर रहे हैं, हम लेक्चर अपना शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1 से। अब हम चैप्टर 1 से आएंगे, 1, 2, 3, 4 एंड देन 6 पे जाएंगे, एंड देन उसके बाद क्योंकि 5 हो चुके हमारा, देन 8, 9, 10, दिस इज हाउ विल फिनिश। तो ये अपना स्टैंडर्ड अपना एक स्कीमा रहेगा चलने का। एंड प्लीज गो बैक अगेन एंड स्ट्रेटिफिकेशन नंबर 5 एंड लेक्चर और एक अपने चैप्टर 7 पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, ये 2 प्लीज, ये अपने को छोटे छोटे बड़े बड़े जैसे मर्जी सारे वीडियोस हैं, कुछ 40-45 वीडियोस हैं, देखो नोट्स बनाओ। बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी नोट्स बना लिए हैं। अब हम आगे रिज्यूम कर रहे हैं, इसके आगे से चलेंगे। एंड तो नाउ ऑन हम क्या करने वाले हैं, 2 हमने चैप्टर खत्म कर लिए, काफ़ी ह्यूज चैप्टर्स होते हैं, तो एंड उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देन अब हम चलेंगे चैप्टर 1 ऑनवर्ड्स। तो मैं यही कह रहा हूँ कि वो 2 चैप्टर्स खत्म करो, लेकिन अगर आपने नहीं ख़त्म किए, आप आज से जुड़ रहे हो हमारे साथ, तो भी आप अगर आज से भी आगे ऑनवर्ड्स करोगे ग्रेजुअली, लेकिन प्लान बना के पीछे वाले ख़त्म कर लेना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट तो है ही। मेरे हिसाब से बार बार कोट होते हैं वो अक्रॉस सोशियोलॉजी, नॉट इवन पेपर 1, पेपर 2 में कोट होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो लेकिन अगर आपने नहीं किए, वो विद टाइम उसको खत्म कर लेना, आज से भी आगे शुरू कर सकते हो। एंड मैं आपको अकॉर्डिंगली जो हमारे जो लेक्चर्स होंगे उसके PDFs में डालने की ट्राई करूंगा। हमारी टीम बेचारी बहुत छोटी सी टीम है और हमें कुछ इतना इंटरनेट वगैरह का काम आता नहीं है, तो कभी PDF लगाना भूल जाते हैं, कभी ये छोटे छोटे ग्लिचेस चलती रहती हैं। हाँ, लेकिन अगर अगेन मैं बोलूंगा कि अगर आप अपने हैंड रिटन नोट्स बना रहे हो जैसे क्लासेस में बनाते हो, तो देर इज नथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो क्लास नोट्स जो आपको मिल रहे हैं यहाँ पे, मैं जो आपको बता रहा हूँ वो तो बता ही रहा हूँ, उसके अलावा आपको कुछ बुक्स और कुछ सोर्सेज भी हैं जो पढ़नी होंगी, एंड उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से वो नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप उसको उसके बारे में बुक्स वगैरह जो है वो खरीद सकते हैं। तो 1-2 बुक्स ही होती हैं हमारे पास, हर लंबस एट्सेट्रा। बाकी टेस्ट वगैरह लिखने शुरू करेंगे अभी आने वाले टाइम में, क्योंकि अगर आपका प्री अगर अभी 3 या 3.5 महीने प्लस, या फिर मेरे कहने का मतलब 100 दिन अगर दूर है, 100 दिन से ज़्यादा दूर है, तो आपको पढ़ना चाहिए मेंस के लिए पक्का ही पक्का, क्योंकि 100 दिन में प्री हम आराम से क्रैक करेंगे। तो और मेहनत करेंगे, पूरी जान लगाएंगे, फिर टोटली फोकस्ड एंड सोलली डिवोटेड रहेंगे प्री के लिए। अभी अगर आपका प्री, क्योंकि अगर आप कभी लेटर डेट पर देखते हो इस वीडियो को आज के सिवा, तो अगर आपका प्री 100 दिन से ज़्यादा दूर है, तो आप इसका कहने का मतलब 3 या 3.5 महीने से ज़्यादा दूर है, तो आप मेंस की तैयारी चलाए रखो, मेंस मत बंद करो। ठीक है, एंड दैट इंक्लूड्स योर ऑप्शनल, ऑप्शनल भी बंद मत करना, तो टेस्ट भी लिखना। दैट इज़ द थिंग दैट विल टेक यू टू द रैंक, टेस्ट लिखना। चलो शुरू करते हैं और एक सॉलिड कोर डेवलप करते हैं सोशियोलॉजी का, एंड उसके बाद एक सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। जो बहुत सारे लोग होते हैं जो नॉन सोशियोलॉजी बैकग्राउंड से आते हैं, यहाँ पर चैप्टर शुरू करते हैं, एंड अगर वो इनिशियल कुछ दिन अगर इत्मीनान से लगाएं और अगर उस पर सोचें, तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा कोर डेवलप होता है। जल्दी जल्दी भागने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोर डेवलप करो। एंड सोशियोलॉजी इज़ वन ऑफ दो सब्जेक्ट्स, देखो अभी मेरा मानना ये है कि पॉल साइंस वगैरह का बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, तो लेकिन पबैड का भी एक ज़माने में बहुत अच्छा टाइम चल रहा था, एक ज़माने में मैथ का भी चल रहा था, तो सोशियोलॉजी इज़ वन ऑफ दो सब्जेक्ट जो काफ़ी काफ़ी स्टेबल रहा है। ऐसा भी नहीं होता कभी सबसे ज़्यादा बच्चे इसको ऑप्ट कर लेते हैं,
कि वो कि एकदम बाढ़ आ गई बच्चों की, जैसे ज्योग्राफी पॉल साइंस के साथ या पबाड़ के साथ हुआ, बहुत सारे बच्चों ने ऑप्ट कर लिया, फिर यूपीएससी इसको थोड़ा ठीक से ट्रीट नहीं करता, इल ट्रीट करता है एंड जनरली फिर पिटाई हो जाती है ऑप्शनल्स की। सोशोलॉजी की इसीलिए अभी लाइमलाइट में नहीं रहता कभी, कि हमेशा थर्ड सेकंड थर्ड फोर्थ राइट रैंक पे रहता है एज एन ऑप्शनल, जिसमें बच्चे इतने बच्चे बैठते हैं, थर्ड या फोर्थ ही रहता है इनफैक्ट। तो इतना ना ही यूपीएससी की लाइमलाइट में होता है, ना ही यूपीएससी की पिटाई होती है। हर साल ही कुछ जितने बच्चे लेते हैं और ठीक ठाक सी एवरेज परसेंटेज बच्चे निकाल देते हैं, इसमें मेहनत करनी पड़ती है। हाँ डेफिनेटली सोशोलॉजी का जो अपना पूरा सिलेबस है काफ़ी छोटा है बाकी का उससे, लेकिन लेकिन अगेन फिर आप मान के चलो सभी के लिए छोटा है, आपके अकेले के लिए छोटा नहीं, सभी के लिए छोटा है वो सिलेबस। तो इसीलिए काम करना पड़ेगा, बार बार चीज़ें करनी पड़ेंगी, जितना डेप्थ में जाओगे जितना चीज़ों को, क्योंकि पेपर अप्लाइड होता जा रहा है, अप्लाइड से मतलब रियल लाइफ में आपसे अप्लाई करा रहे हैं थ्योरीज को, तो वो हम करते जाएंगे धीरे धीरे समझते जाएंगे। तो इसीलिए सॉलिड अंडरस्टैंडिंग और एकदम सॉलिड कोर बनाओ सब्जेक्ट को, इत्मीनान से चलो धीरे धीरे पढ़ते हुए। सब्जेक्ट में आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा लेकिन समझना है उसको। बाकी सब्जेक्ट्स में ना जैसे लेट्स से बाकी ऑप्शनल में आपको ये टेंशन रहती है कि सिलेबस ही खत्म नहीं हो रहा, यहाँ सोशो में आपको कम से कम वो टेंशन नहीं होती, सिलेबस तो जल्दी खत्म हो जाता है। और हम एक एक टॉपिक कवर करेंगे, जो पीछे मैंने आपको जो सिलेबस का जो कोडिंग दी है ए जो हमने जैसे लगाया हुआ था, वन के आगे ए बी सी, टू के आगे ए बी सी, ऐसे हम एक एक चीज़ कवर करेंगे। क्योंकि पेपर में जाके पता है पेपर में क्या होता है, आपको लगता है ओ ये कहां से सवाल पूछ लिया, अच्छा ये टॉपिक सिलेबस का ये वाला तो हमने कभी उठा के देखा ही नहीं। एक एक चीज़ पर आपको पास कुछ ना कुछ तो लिखा हुआ होना चाहिए। पेपर में हमें क्या करना है, पेपर में सरप्राइज वाला एलिमेंट खत्म करना है, और बस यही छोटा हमारा अटेम्प्ट है। एंड बाकी रीड करते हैं थोड़ा सा एंड नंबर लेते हैं, दैट्स इट। हमें ऑप्शनल करके कोई हमें पीएचडी तो करनी नहीं है, हमें नंबर लेने हैं, नंबर लेने की ट्राई करेंगे यहां पर। तो बस ये छोटी सी हमारी अटेम्प्ट थी, ठीक है दोस्तों, बाकी मिलेंगे जल्दी एंड लेट्स गेट गोइंग। थैंक यू।